श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक भाईला कोठारी राजनगर असारुआ में रहते तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये भाईला कोठारी को लीला को अलौकिक स्वरूप ऊपर हरजी कोठारी की वार्ता में कही आए हैं। सो भाईला कोठारी राजनगर ते कछुक दूरी एक गांव में एक बनिया के प्रकटे। सो ये तीन भाई हैं, बेनी कोठारी, भाईला कोठारी और जेता कोठारी। सो इनको पिता राजनगर में हाकिम के वहां रहे तो सो कोठार करतो। सो पिता मरियो पाछे वा हाकिम ने इन तीनों भाई को कोठार पे राखे। तब ये तीनों भाई राजनगर असारुआ में रहते। ता पाछे बेनी कोठारी नरहरि सन्यासी को संग पाई श्री आचार्य जी के सेवक भये। सो तो नरहरि सन्यासी की वार्ता में कही आए हैं। पाछे श्री गुसाई जी प्रथम बार जब द्वारिका जी पधारे तब भाईला कोठारी जेता कोठारी राजनगर में आपकी शरणी आए सेवक भये। ता पाछे दो भाई श्री गुसाई जी से विनती करी श्री गुसाई जी को अपने घर असारुआ में पधराए। तहां सगरे कुटुंब को सेवक कराए। पाछे भाईला कोठारी ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो राज अब कहा कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए जो भगवत सेवा करो। सो एक लाल जी को स्वरूप श्री गुसाई जी भाईला कोठारी को आप अपनी पास्ते पधराई दियो। तब भाईला कोठारी ने विनती करी जो राज मोको तो आपकी सेवा करने को मनोरथ है। तब श्री गुसाई जी ने अपनी पादुका दिए और जेता कोठारी को दूसरो नाम मथुरा कोठारी हतो। सो ये श्री गुसाई जी के स्वरूप में सदा मगन रहते। इनने श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के बहुत पद किए हैं। सो श्री गुसाई जी सदा इन पर प्रसन्न रहते। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक भाईला कोठारी राजनगर असारुआ में रहते हैं। ये राजनगर से कुछ दूरी पर एक गांव में जन्मे थे। ये तीन भाई हैं, बेनी कोठारी, भाईला कोठारी और जीता कोठारी। तो ये तीनों राजनगर असारुआ में रहते और बेनी कोठारी तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक थे। फिर जब श्री गुसाई जी प्रथम बार श्री द्वारिका जी को पधार रहे थे तब भाईला कोठारी और जीता कोठारी श्री गुसाई जी के सेवक हुए। तब इन दोनों भाई इनकी विनती से श्री गुसाई जी इनके घर पधारे और उनके सर्व कुटुंब को सेवक किए। फिर श्री गुसाई जी ने एक लाल जी का स्वरूप इनके माथे पधराया। तब भाईला कोठारी ने विनती करी कि राज मेरा तो आपकी सेवा करने का मनोरथ है। तब श्री गुसाई जी ने अपनी पादुका दी और जीता कोठारी ने श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के बहुत पद किए हैं। सो श्री गुसाई जी आप इन पर सदा प्रसन्न रहते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।